हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ सुमानसी सहगल। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा वीडियो है वो गरबा मेकअप के ऊपर है, जो कि नवरात्रि मेकअप भी कहा जाता है। इन दिनों जो हम लोग यूज़ में लेते हैं मेकअप, वो किस तरीके से करना चाहिए वो मैं आपको आज की वीडियो में बताने जा रही हूँ। स्टेप बाय स्टेप आप पूरा मेकअप देखिए, बहुत ही अच्छा लुक है। दो मेकअप लुक इसमें हम सिखाएंगे। आज का जो पहला मेकअप लुक है हमारा येलो ड्रेस के साथ है, किस तरीके से इस लुक को कम्प्लीट करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले मैं फेस के ऊपर टोनिंग कर रही हूँ। क्लिंजिंग हम लोग कर चुके हुए हैं। टोनिंग करने के लिए हम लोग सेटिंग स्प्रे का यूज़ कर रहे हैं। इसके बाद मॉइस्चराइज़र का यूज़ कर रही हूँ मैं फेस के ऊपर, ताकि हाइड्रेशन मिले हमारी स्किन को। तो मैंने जो मॉइस्चराइज़र यूज़ किया है, एम्ब्रॉयलिस ब्रांड का मॉइस्चराइज़र है। आप किसी भी ब्रांड का मॉइस्चराइज़र ले सकते हैं जो कि स्किन पर हाइड्रेशन दे। प्राइमर का यूज़ कर रही हूँ मैं फेस के ऊपर, ताकि मेरे मेकअप की लास्टिंग बनी रहे। और अगर आप प्राइमर को स्किप भी करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि एम्ब्रॉयलिस जो मॉइस्चराइज़र है बहुत अच्छा है, नीड नहीं होती प्राइमर की। अगर आप स्किप करना चाहें तो कर सकते हैं। आई बेस बनाएंगे सबसे पहले हम लोग। कोई भी लाइट कलर का कंसीलर लेके आप आई बेस बनाएंगे। इसके बाद इसको डैब डैब करेंगे। पाउडर से इसको लॉक कर देंगे। इसके बाद मैं के ब्यूटी ब्रांड की क्रेयॉन पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ। ब्राउन शेडो है ये, इसको मैं ब्लेंड करूँगी। इससे ब्राउन बेस बन गया हमारा। अब इसके ऊपर हम लोग पाउडर आई शेडो का यूज़ कर रहे हैं, डार्केस्ट ब्राउन का। अब इसी को हम लोग लाइट कलर के साथ ब्लेंड कर देंगे। तो आज हम लोग इनमें ग्लिटर्स का यूज़ नहीं कर रहे, मैट इफेक्ट दे रहे हैं आईज़ में। तो आप देखें किस तरीके से हम लोग थोड़ा स्मोकी लाइट, मतलब बहुत ज़्यादा हैवी स्मोकी नहीं है, बिल्कुल लाइट सा है, और ये अच्छा लगता है किया हुआ। तो इस तरीके से हम लोग स्मोकी लुक दे रहे हैं। अच्छे से डार्क ब्राउन को कवर कर देंगे। और आप देखिए कितनी जल्दी से वाला मेकअप हो जाएगा। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, क्योंकि हमने पहले ही पेंसिल के साथ उसको कवर कर दिया। तो हम लोग फटाफट से ब्लेंड कर सकते हैं पाउडर के साथ इसके ऊपर। तो फिर से मैंने दूसरी आई पे भी वो पेंसिल से कवर किया है आईलिड एरिया को, और उसको मैं हल्के हल्के हाथ से ब्लेंड करूँगी ब्लेंडिंग ब्रश के साथ। इसके ऊपर मैं पाउडर आई शेडो का यूज़ कर रही हूँ, डार्केस्ट ब्राउन का, और उसके बाद उसको मैं लाइट ब्राउन के साथ ब्लेंड कर दूंगी अपर साइड में। अगर इस तरीके से हम लोग ब्राउन कलर का क्रेयॉन यूज़ करें, या किसी भी कलर का क्रेयॉन यूज़ करके फिर आई शेडो का यूज़ करते हैं, तो इससे हमारे जो आई शेड्स होते हैं उनकी लास्टिंग और भी बढ़ जाती है, और भी इन्हेंस होकर वो आई शेडो दिखता है। इसके बाद हम लाइटेस्ट ब्राउन कलर लेके ऊपर से इसको ब्लेंड कर रहे हैं। थोड़ा सा ब्लैक कलर लेके मैं ब्लेंड कर रही हूँ लाइनर जहाँ पर लगाते हैं उस एरिया के ऊपर, क्योंकि मैं लाइनर का यूज़ नहीं करूँगी। हल्का सा बस ब्लेंडिंग इफेक्ट दे रही हूँ ब्लैक कलर के साथ। इसके बाद हम लोग कंसीलर का यूज़ कर रहे हैं। टू फेस ब्रांड का कंसीलर मैं यूज़ कर रही हूँ। फेस को प्रैप हम लोग कर चुके हुए थे। तो आज आपको मैं बता रही हूँ कंसीलर से ही किस तरीके से हम पूरे फेस पर
बेस बना देंगे तो अलग से हमें बेस की नीड नहीं रहेगी। अगर आपको लाइट मेकअप करना है तो आप कंसीलर से ही उसका बेस बना देंगे। और लेकिन कंसीलर आपका हाई कवरेज होना चाहिए, जिसकी कवरेज अच्छी हो, जैसे कि टार्ट टू फेस्ट का आता है, अलग अलग ब्रांड्स आते हैं उनके कंसीलर से अगर आप डायरेक्ट बेस भी बना देते हैं तो उसकी लास्टिंग भी अच्छी रहती है। तो इस तरीके से आप बेस भी बना सकते हैं अपने कंसीलर के साथ, अगर आपको बहुत ज़्यादा ओवरलैपिंग नहीं करनी तो। अच्छे से देखिए, मैंने ब्लेंड कर दिया, बिल्कुल फेस कलर जैसा ही आ रहा है, बहुत अच्छा टोन आया है इसका। नेक को भी कवर कर रही हूँ मैं। और आप देख रहे हैं कि हल्का सा शाइन भी आ रहा है फेस के ऊपर से, ड्राइनेस नहीं आई। तो टू फेस्ट के जो कंसीलर हैं बहुत अच्छे हैं। अब मैं हाईलाइट एरिया पर 001 हाईलाइटर का यूज़ कर रही हूँ, फॉरएवर 52 ब्रांड का। तो आप देख रहे हैं कि मैंने आज फाउंडेशन का यूज़ नहीं किया। अगर आप भी फास्ट मेकअप करना चाहते हैं और आपके पास अच्छा कवरेज देने वाला कंसीलर है तो आप डायरेक्ट बेस भी अप्लाई कर सकते हैं उसी के साथ। लेकिन इनकी लास्टिंग उतनी ज़्यादा नहीं होती जब हम ब्राइडल बेस बनाते हैं, ये हम पार्टी मेकअप के यूज़ में ले सकते हैं, जहाँ हमको फास्ट काम करना हो इस तरीके से आपको देखनी है वो चीज़। अब देखिए, मैं कॉन्टोर वाली लाइन भी क्रिएट कर रही हूँ। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता तो आप इस तरीके से भी पूरा लुक क्रिएट कर सकते हैं। ब्लशर का यूज़ भी मैंने कर दिया है। अब एक साथ हम लोग इनको धीरे धीरे ब्लेंड करेंगे। इस तरीके से आप देख रहे हैं तीनों चीज़ का यूज़ हो गया है मेरा। अब मैं धीरे धीरे, सबसे पहले मैं हाइलाइटेड एरिया पर ब्रश की हेल्प से इसको ब्लेंड कर रही हूँ, फिर मैंने ब्लशर को ब्लेंड किया है और साथ ही मैंने कॉन्टोर को भी ब्लेंड कर दिया है। फोरहेड पे भी जो कॉन्टोर है हमारा, उसको हम अच्छे से ब्लेंड करेंगे। अब मैं स्पॉन्ज की हेल्प से जहाँ जहाँ मेरे को लग रहा है अभी ब्लेंड नहीं हुआ, उस एरिया पे मैं अच्छे से ब्लेंड करूँगी। तो आप देख रहे हैं कितना फास्ट हम लोगों ने ब्लशर वगैरह की एप्लीकेशन भी कर दी हुई है और कॉन्टोरिंग भी हमारी हो गई और हमारा हाइलाइटेड एरिया पर हम लोग हाइलाइटर का भी यूज़ कर चुके हुए हैं। थोड़ा सा ब्लशर मैं एक्स्ट्रा लगा रही हूँ क्योंकि वो ब्लेंड हो गया तो ज़्यादा दिख नहीं रहा, और थोड़ा सा ब्लशर अच्छा लगता है लगा हुआ, तो हम अलग से भी लगा सकते हैं। पूरे बेस को हम लोग एक बार सेटिंग स्प्रे के साथ सेट कर रहे हैं। अभी हमने लॉक नहीं किया इसको, अभी हम लोग पाउडर का यूज़ करेंगे। जब हम अल्कोहल बेस्ड जो स्प्रे होता है उसका यूज़ करते हैं, वो पूरा लास्ट में करते हैं जब आपका पाउडर का भी काम हो चुका होता है। अब मैंने हल्के हल्के हाथ से दोबारा से ब्लेंड कर रही हूँ क्योंकि मैंने पाउडर की एप्लीकेशन करनी है, इसलिए पहले हम लोग ब्लेंड कर देंगे अच्छे से, ताकि जो लाइंस वगैरह हैं वो पहले क्लीन करेंगे। देखें आपके नीचे हम लोग कैसे लाइंस को क्लीन कर रहे हैं। इनको क्लीन करने के बाद ही आप लोग पाउडर लगाएंगे, तो उसके बाद क्या होगा कि जल्दी से लाइंस नहीं आती। तो लूज़ पाउडर से मैं कवर कर रही हूँ बेस को, ताकि इसकी लास्टिंग और बढ़ जाए और थोड़ा सा अभी मैट इफ़ेक्ट आएगा एक बार, क्योंकि पाउडर लगाते हैं तो बेस थोड़ा मैट हो जाता है। लेकिन इससे लास्टिंग बढ़ती है हमारे बेस की, इसलिए पाउडर की एप्लीकेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और अच्छी क्वान्टिटी में पाउडर को लगाना चाहिए, ताकि जो हमारा बेस है वो लंबे समय तक टिका रहे।
अभी हम लोग काजल की एप्लीकेशन कर रहे हैं। काजल में न्यूड शेड का इनको लगा रही हूँ। जहाँ पर आपने लास्ट में देखा फाउंडेशन से थोड़ा सा जैसे हमें लगता है ब्लेंडेड इफेक्ट नहीं आया, तो थोड़ा सा आप लोग और प्रोडक्ट लेके थोड़ा सा ब्लेंडिंग कर देंगे, क्योंकि जब हम फाउंडेशन लगाते हैं तो कभी कभी लाइन सी क्रिएट हो जाती है। तब आप थोड़ा सा आई शेडो लेके इसे दोबारा से ब्लेंड करेंगे। लोअर लैशेस पर मैं डार्केस्ट ब्राउन जो हमारा आई शेडो है उसी से ब्लेंड कर रही हूँ। ऊपर वाले आई शेडो और नीचे वाले आई शेडो को हम लोग आपस में जॉइंट कर देंगे। आईब्रोज को हम लोग थोड़ा सा क्लीन करेंगे जब प्रोडक्ट लग जाता है उसको। अभी आप देख रहे हैं कि ये जो मैं मेकअप कर रही हूँ ये अभी टीनेजर बच्ची है, तो इसकी आईब्रोज वगैरह नहीं बनी हुई है, तो हम बहुत हल्के हल्के हाथ से थोड़ा बहुत ही आईब्रोज को हम लोग शेप देंगे। तो अगर आपके क्लाइंट की आईब्रोज नहीं बनी है फिर भी आप लोग अपना काम अच्छे से कर सकते हैं। हेयर जितने कम होते हैं उतना अच्छा रहता है, लेकिन ऐसा होता है कि बच्चों के ऊपर जब आप मेकअप कर रहे हैं, टीनेजर्स के ऊपर कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि हमको उनकी आईब्रोज बनानी ही है। आप लोग बिल्कुल हल्की हल्की सी इस तरीके से शेप दे के अपने काम को अच्छा कर सकते हैं। पाउडर कंटूर कर रही हूँ एक बार। वैसे हमें इनके ऊपर क्रीम कंटूर की नीड नहीं थी, लेकिन एक बार आपको एक नया तरीका बताना था मेरे को कि किस तरीके से हम तीनों चीज़ लगाकर फास्ट अपना मेकअप कर सकते हैं, इसलिए मैंने आपको एप्लीकेशन करनी बताई। लेकिन अगर हम इनके क्रीम कंटूर ना भी करते, हम सीधा अपना ब्रॉन्जिंग करते, जैसे कि मैं पाउडर ब्रॉन्ज कर रही हूँ, तो भी हमारा इफ़ेक्ट बहुत अच्छा आता। हमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको एक नई टेक्निक बतानी थी इसलिए हमने उसका यूज़ किया है। बाकी आप ब्लशर लगाइए, हाइलाइटर लगाइए, उसके बाद पाउडर कंटूर कर दीजिए, इससे भी बहुत अच्छा लुक आता है। ज़रूरी नहीं है आपको क्रीम कंटूर के साथ प्ले करना, लेकिन हमें टेक्निक सारी आनी चाहिए काम करने की, इसलिए हम लोगों ने आपको बताया कि किस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। अभी हम लोग ब्लशर लेके पाउडर ब्लशर का यूज़ कर रहे हैं। अच्छे से बाहर से अंदर की ओर आ रहे हैं। जो ज़्यादा प्रोडक्ट होता है हम बाहर उसको छोड़ देते हैं और उसको धीरे धीरे करके आगे की साइड लेके आते हैं ब्लेंड करते हुए, ताकि बहुत ज़्यादा हमारे जो प्रोडक्ट है चीक्स के ऊपर ना दिखे, इससे बहुत गंदा लुक आता है। तो आपको समझना है इन चीज़ों को कि हम पीछे की साइड से धीरे धीरे करके आगे की साइड आएंगे। मस्कारा की एप्लीकेशन कर रही हूँ। मैबलिन ब्रांड का मैं मस्कारा यूज़ कर रही हूँ, आप किसी भी ब्रांड का मस्कारा यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद एक और हमारा जो वीडियो आने वाला है वो भी एक डिफरेंट ड्रेस के ऊपर इसी तरीके का मेकअप हम करना बताएंगे, उसमें डिफरेंट आई मेकअप होगा। उस वीडियो को भी आप पूरा देखिए, तो आपको डिफरेंट डिफरेंट तरीके के आई मेकअप के साथ
आप लोग इस लुक को क्रिएट कर सकते हैं जो गरबा के लिए हम लोग लुक अभी क्रिएट करेंगे। अभी अपना जो फेस्टिवल है वो आने वाला है, तो आप अगर दो लुक सीख लेते हैं तो आप अपने बहुत सारे क्लाइंट को अटेंड कर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं इन दो ही आप आई शेडो का यूज़ कर सकते हैं, आप इस तरीके से और भी आई शेड्स का यूज़ करके एक डिफरेंट लुक दे सकते हैं। और आपने देखा कि आज के हमने वीडियो में बिल्कुल भी जो शिमरी इफेक्ट नहीं दिया, मैट इफेक्ट दिया है। ये बहुत अच्छा लगता है देखने में, मैट इफेक्ट जो होता है आइज़ का, ये बहुत सुंदर लगता है गरबा मेकअप के साथ। तो इस तरीके से आप भी कुछ डिफरेंट लुक क्रिएट कर सकते हैं। स्मोकी भी लग रहा है लेकिन बहुत ज़्यादा भी डार्कनेस नहीं आ रही, बहुत सटल लुक आ रहा है। इस तरीके से आप भी अपने मेकअप को इसको रिक्रिएट करके आप लोग अपनी वीडियोज़ को शेयर कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। और अगर हमको किसी की अच्छी लगी वीडियो तो हम लोग उसको अपने इंस्टा पर भी डालेंगे। तो इस तरीके से आप अपना लुक क्रिएट करके हमारे व्हाट्सएप नंबर 6350050546 पर शेयर कर सकते हैं। तो रिक्रिएट का आप लिखकर भेजेंगे और अपने लुक को हमारे साथ शेयर करेंगे। जिनका लुक हमको अच्छा लगा उनका लुक हम लोग अपने साथ शेयर करेंगे। लोअर लैशेस पर मस्कारा की एप्लीकेशन कर दी है और सुंदर सा हेयर स्टाइल हम पहले से ही बना चुके हुए हैं। हमने ब्रेड बनाई है कलरफुल थ्रेड के साथ। कलरफुल थ्रेड का यूज़ अभी आप कर सकते हैं कि गरबा के ड्रेसेस के साथ बहुत सुंदर लगता है। तो इनकी येलो और ग्रीन कलर का शेड था इनकी ड्रेस में, तो हमने ऐसे ही थ्रेड का यूज़ किया है। तो थ्रेड तो आप कहीं भी ले सकते हैं, मार्केट में कहीं से मिल जाएगा आपको। ये हमने जो कढ़ाई वाला थ्रेड होता है उसको लिया है, जिससे आप कढ़ाई करते हैं वो थ्रेड का हमने यूज़ किया है। तो हाइलाइटर का यूज़ कर रही हूँ मैं, थोड़ा बहुत हाइलाइटेड जो हमारा एरिया है उसको शो करने के लिए। और इसी के साथ आप देखेंगे पूरा लुक हमारी, इसकी जो वीडियो है हमने वो भी डाली हुई है, आप उसको भी देख सकते हैं। तो बहुत सुंदर लुक आया था हमारे मेकअप का। इस तरीके से आप भी क्रिएट करके ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो कम्प्लीट हुआ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल सुमानसी सैगल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। Thank you.